जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ थाना की पुलिस ने नाबालिग बालिका से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। मामले में प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी नाबालिग बहन 29 दिसंबर को दुकान जाने की बात कहकर घर से निकली थी, जो घर वापस नहीं आई है। जिसके संबंध में आसपास रिश्तेदारी में पता किया गया तो कोई जानकारी नहीं मिली। पुलिस ने मामले में धारा 363 भादवी पंजीबद्ध कर जांच शुरू की। अपहर्ता एवं अज्ञात आरोपी की पतासाजी की जा रही थी। विवेचना के दौरान शनिदास के कब्जे से अपहर्ता को ग्राम सेमरा से बरामद किया गया। पूछताछ पर कथन दिया गया, अपहर्ता द्वारा अपने कथन में आरोपी शनिदास द्वारा जबरदस्ती भगा कर ले जाना एवं शारीरिक शोषण बताया गया, जिसके बाद पुलिस ने प्रकरण में धारा 366, 376 भादवी 4-6 पॉक्सो एक्ट जोड़कर कार्रवाई की है। आरोपी शनिदास को गिरफ्तार करने एवं विवेचना कार्यवाही में निरीक्षक विवेक कुमार पांडे, प्रधान आरक्षक राधेश्याम पूर्णा एवं मध्य प्रदेश आरक्षक स्वाति गिरोलकर का योगदान रहा। बने जिला प्रमुख व ब्लॉक प्रमुख रिपोर्टर और पाए मौका प्रदेश की सबसे बड़ी न्यूज चैनल छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज के साथ जुड़ने का। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।